दोस्तों से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो किडनी स्टोन है वो किस प्रकार से पेशेंट को परेशान करता है, क्यों बनता है, कहाँ पे बनता है और कहाँ पे आके वो फंस जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी मेडिसिन क्या है कि जिससे वो बिना ऑपरेशन के ही किडनी स्टोन आसानी से बाहर आ जाए, तो सारा हम डिस्कस करेंगे। मेन देखते हैं जो किडनी स्टोन होता है उसमें कितने ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो मेन जो किडनी स्टोन होता है वो कहाँ पे रहता है और कैसे क्या होता है उसका। तो सबसे पहले अगर हम उन ऑर्गन्स की बात करें जहाँ पे किडनी स्टोन परेशान करता है, तो सबसे पहले किडनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसमें, उसके बाद यूरेटर और ये यूरिनरी ब्लैडर। ये तीन ऐसे पार्ट है हमारी बॉडी में जो स्टोन जो होता है, किडनी स्टोन जो होता है, जो यहाँ पे अगर होता है तब परेशान करता है। ठीक है, कैसे परेशान करता है, कैसे क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किडनी की, ये हमारी लेफ्ट किडनी है और ये हमारी है राइट किडनी। ठीक है, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो हम सब जानते हैं कि कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या होता है अगर हमारे ब्लड में अगर यूरिया यूरिक एसिड की मात्रा अगर ज्यादा होगी या फिर कैल्शियम ऑक्सीलेट की अगर मात्रा ज्यादा होगी तो एक लिमिट तक तो ये फिल्टर कर देगा किडनी, लेकिन अगर कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा है तो वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिल्टर होगा लिमिट तक, लेकिन उससे अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम कैल्शियम ऑक्सीलेट की बात करें, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट अगर छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो गए किडनी में, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, एक स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। ये क्या कर देगा, स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अगर छोटे छोटे कैल्शियम ऑक्सीलेट के टुकड़े मिलके ऐसे इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया, ये क्या है, एक स्टोन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हमें पता क्यों नहीं चलता किडनी स्टोन बनते ही, हमें पता क्यों नहीं चलता, हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि जब ये किडनी स्टोन किडनी इधर बनता है, जब किडनी में बनता है, तो अगर इसका साइज भी बड़ा होता रहेगा तो भी हमें जल्दी से कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों परेशानी नहीं होती है, क्योंकि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का, यहाँ पे तो फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक चल ही रही है, ये स्टोन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं देगा। ये दिक्कत कब देता है किडनी स्टोन, जब ये किडनी स्टोन यहां से निकल के ये जो यूरेटर में आ जाता है, ये यूरेटर है, यूरेटर यानी जिससे हमारा जो यूरिन है, जो फिल्टर्ड लिक्विड है, वो कहाँ पे आता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे हमारे पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पे यूरिन हमारा स्टोर होता है, वहां पे इस फिल्टर्ड यूरिन को आने के लिए किसके थ्रू आएगा, यूरेटर के थ्रू आएगा। तो इस जो यूरेटर की जो चौड़ाई होती है, ये वाला जो यूरेटर है इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 mm के आसपास होती है, 4 mm के आसपास इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 mm के आसपास होती है। तो यहाँ पे स्टोन बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो किडनी में 16 mm तक के भी स्टोन किडनी में रहते हैं, तब भी पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं होती जब तक कि वो किडनी से निकल के यहाँ पे यूरेटर के आके यहाँ पे इसको ब्लॉक ना करे। तो पेशेंट को दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे किडनी में 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 4 mm के स्टोन यहाँ पे पड़े रहते हैं, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कब होती है, जब ये यहाँ किडनी से निकल के जब इस ट्यूब में आ जाते हैं, जो यूरिन जहां से किडनी से जो फिल्टर वेस्ट निकलता है लिक्विड का, उस ट्यूब में जब स्टोन पहुंच जाता है तब दिक्कत करता है। देखते हैं कैसे। इसकी जो चौड़ाई है, जो यूरेटर हमारा, जो पेशाब की नली जिसको बोला जाता है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 mm की। ठीक है, अगर ये किडनी स्टोन अगर 2 mm का है, 3 mm का है, 4 mm का है या फिर 5 mm का है, इतने तक का जो स्टोन है वो क्या होगा कि इसके थ्रू पास होके हमारे नीचे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, जिससे वो यूरिन के रास्ते, यहां से यूरेथ्रा के रास्ते बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ठीक है, लेकिन अगर किडनी स्टोन का साइज बढ़ गया है, किडनी स्टोन के उसमें किडनी में ही 6 mm का या 7 mm का या फिर 8 mm का हो गया है, तो वो क्या होगा कि किडनी से तो निकल जाएगा लेकिन इस ट्यूब में आके ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब में आके कहीं ना कहीं फंस जाएगा वो। और यहाँ पे अगर फंस गया तो ये जो फिल्टर्ड यूरिन, यहाँ पे जो फिल्टर्ड यूरिन यहाँ पे नीचे आना था, ये नहीं आ पाएगा, इसने क्या किया, रास्ते को ब्लॉक कर दिया। यहां से पेशेंट को जो है सिम्टम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्या होगा कि ये जो लिक्विड यहाँ से, फिल्टर लिक्विड जो ये नीचे आना था वो नहीं आ पाएगा। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा कि यहाँ से जब प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे पेशेंट को पेन होता है, तब जाके पता चलता है पेशेंट को कि अब किडनी स्टोन मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे जब प्रेशर पड़ता है यूरेटर के ऊपर में, तब तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। अगर किडनी के अंदर कोई स्टोन पड़ा हुआ है तो उसका जल्दी से, इतना जल्दी से कोई सिम्टम नहीं आता पेशेंट को। सीवियरिटी जब पेशेंट को यही होती है, या तो ये यूरेटर में यहाँ पे फंस जाए, या फिर अगर ये स्टोन यहाँ से चलते चलते निकलते निकलते जैसे तैसे यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। यहाँ पे एक क्या होता है, जंक्शन होता है, यूवीजे जंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, यूवीजे जंक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पे आके अटक जाता है तो आप पेशेंट को क्या होता है, यूरिन में जो बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब जलन पैदा होगी पेशेंट को यूरिन में, या फिर यूरिन पास करते हुए पेशेंट को पेन होगा बहुत ज्यादा सीवियरिटी। क्योंकि ये क्या हुआ, यहाँ पे आके फंस गया, यहाँ पे ये ना तो अंदर जा पाएगा और इस ट्रैक में फंस जाएगा, ऊपर से पूरा प्रेशर लगेगा और पेशेंट को फील होगा कि उसको यूरिन आ रहा है लेकिन वो आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि पीछे से जो किडनी से फिल्टर हो रहा है वो तो नीचे इसमें यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच ही नहीं पा रहा। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होता है। ठीक है, और कभी कभी अगर कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो पेशेंट को जो यूरिन में है वो ब्लड भी आता है। तो ये कुछ सिम्टम्स, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन होना, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो गया, या फिर पेन हो गया, ठीक है, या फिर ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन, ये तीन चार ऐसी कंडीशन है। या फिर आपको जो हमारा स्टमक एरिया है उसमें पेन होना और वो पेन पीछे की तरफ चलना, ये सारी कंडीशन किसको इंडिकेट करती है, किडनी स्टोन को। ठीक है, अब आप इसमें पता कैसे कर सकते हैं कि हमें किडनी स्टोन है कि नहीं है, तो उसके लिए जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है यूएसजी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि किडनी स्टोन है कि नहीं है। अगर उसमें भी डाउट रहता है तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए किडनी स्टोन की लोकेशन को, किडनी स्टोन के साइज को एक प्रॉपर ट्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, वो करना चाहिए हमें एनसीसीटी केयूबी, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी केयूबी। एक सीटी होता है, सीटी स्कैन होता है, जिसमें आप केयूबी स्कैन कराएंगे किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का। उसमें इन सब तीनों चीजों का, किडनी का, यूरेटर और ब्लैडर का, तीनों चीजों का डिटेल से पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टोन है और कहाँ पे कितना साइज है, क्या लोकेशन है उसकी। ठीक है, तो दोस्तों मोस्टली जो 5 से 6 7 mm तक के स्टोन जो है वो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन अगर 6 mm से ज्यादा अगर बड़ा साइज है स्टोन का तो उसको निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर आपको पहले ही पता चल जाता है, 5 mm 4 mm में पता चल जाता है, तो आप जितना ज्यादा लिक्विड ले सकते हैं आप लिक्विड लीजिए। ताकि क्या होगा, जितना आप ज्यादा लिक्विड लेंगे इस पे, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है और फिर क्या होता है, प्रेशर के साथ में जो स्टोन होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और इससे ज्यादा अगर आपको किडनी स्टोन से रिलेटेड अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स अगर आपको होते हैं, तो डॉक्टर, किस डॉक्टर से मिलना होता है, वो मिलना होता है आपको यूरोलॉजिस्ट से। ठीक है, आप किससे मिलेंगे हॉस्पिटल में जाके, यूरोलॉजिस्ट से, जो कि इसका स्पेशलिस्ट होता है, किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर, जो किडनी स्टोन्स वगैरह का जो स्पेशलिस्ट होता है, यूरिन से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होता है वो कौन, क्या नाम होता है उसका, यूरोलॉजिस्ट। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी किडनी स्टोन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सीटी स्कैन में जो हमारा किडनी स्टोन है वो कैसे दिखता है, किस तरीके प्रकार का दिखता है, कितने कितने साइज का होता है, तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उसका लिंक, तो आप वो भी विजिट करके देख सकते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी आगे नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो सबसे पहले आपको मिल जाए। और दूसरी चीज इसके रिगार्डिंग, अगर आपको हर्बल यानी आयुर्वेदिक अगर मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप ये नंबर दिए हैं स्क्रीन पे, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।